हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, क्या वीक रहा है सेल के लिए आज इस हफ़्ता? इस वीक में इसने 9% तक के आपको रिटर्न्स दिए हैं। तो अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों यार, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारना मत भूलना फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज आपको बात बताया तो इसने 42.45 की क्लोजिंग दी है, 65 पैसे बढ़ा है और 2% तक के इसमें आज हमें गेन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो अपना ये सपोर्ट लेता था उसको ब्रेक करके 35, 36, 37 और इस बार 42.45 तक की इसने आज आपको क्लोजिंग रेंज दिखाई है। 38 पे थोड़ा अटक रहा था ये, लेकिन उसके बाद देखिए जो मेटल इंडेक्स चमका, जिससे सेल में बिल्कुल बढ़ोतरी आई है। और आप देख रही है आज सेल कहाँ आ चुका है। अब सेल में देखिए, मैं आपको टारगेट्स बताने वाला हूँ सेल के। हम देखिए सबसे पहले इस हफ्ते का चार्ट देखें तो देखिए दोस्तों, चालू कहाँ से हुआ था, यहाँ से चालू हुआ था 38.5 के यहाँ चालू हुआ था। और देखिए आप देखिए, एक बिल्कुल स्टेप जोन है कि ऊपर ही ऊपर गया है ये स्टॉक। दोस्तों ये देखिए, स्टॉक की खासियत थी मैं आपको जैसे बता रहा था, स्टॉक ने काफ़ी अच्छे खासे मूव दिखाई है। देखिए 9% तक के गेंस दिखाई है। और आज की बात करें तो स्टॉक ने अपना 44.75 तक के हाई बनाए थे, 44.75 तक के हाइट बनाए थे, लेकिन बंद हुआ जब आज इसमें एंडिंग में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई स्टॉक में, और 42.45 में ये स्टॉक बंद हुआ जाके। देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत हमें आज अनवाइंडिंग देखने को मिली है, शुरुआत में अप था लेकिन आते आते ये फिर लो में बंद हुआ है। लेकिन मार्क इसका बिल्कुल स्टॉक चार्ट जो है वो पॉजिटिव में है अभी भी। आप इसमें को लगता है कि इसमें कम से कम आपको 44 से लगाकर 45 तक के लेवल्स फिर देखने को मिलेंगे शायद तक। इसमें हो सकता है अभी स्टॉक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हो अपना कहीं पे, इसलिए स्टॉक में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल गई है। मतलब ऊपरी स्तर से, मतलब ऐसे नेगेटिव बन नहीं हुआ है, ऊपरी स्तर से थोड़ा गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। पर आपको मुझे लगता है कि देखिए बिल्कुल सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और एक हफ्ते के आप देखेंगे रिटर्न्स तो पूरे 9% रिटर्न्स मिले हैं, 9%। तो आप देखिए स्टॉक कितना शानदार भागा है, और स्टॉक में मुझे लगता है कि अब और रैली आना बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म था ये शेयर। ये शेयर 34, 35 और 38 इतने रेंज में सिर्फ मूव करता था, लेकिन अब देखिए इसने अपना सबसे पहला 38 को तोड़ा, फिर 40 को तोड़ा, और अब देखिए 42.65 पर जाके बंद हुआ है। तो ये तीन चीज़ें नोट करिए। देखिए इस शेयर को बढ़ने के कारण क्या क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे बड़ी तो सोना चांदी अभी देखिए बहुत वॉलेटाइल है, बहुत मूव कर रहे हैं, उसके कारण मेटल इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा मूव दिखा रहा है आपको। और मुझे लगता है कम से कम अभी 1-2 पूरे हफ्ते और बढ़ सकता है सेल, जैसा ये अभी आपको देख सकते हैं सोना चांदी बढ़ रहा है। मेटल इंडेक्स मेरे को लगता है और चमकना अभी बाकी है। तो कम से कम आपको टारगेट्स 45 तक के मिल सकते हैं अगले हफ्ते में, और हो सकता है 45 के बाद ये एक हर्डल लेगा, 46 का एक हर्डल है इसका। अगर इसने पार कर लिया तो ये आपको 50 तक के लेवल्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं, मुनाफा वसूली में आपको स्टॉक्स को ख़रीदना चाहिए। या अभी देखिए PSU सेक्टर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में इन सब स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों अगर मैं आपको इसका एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊं, और दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टॉक अपना बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा आज देखिए हरे में बंद होने की तो पूरी कोशिश की है स्टॉक ने, लेकिन यहाँ से देखिए ऊपरी स्तर से गिरावट पे बंद हुआ है। ये जो आपको दिख रहा होगा ऊपरी स्तर से गिरावट पे बंद हुआ है, तो हो सकता है कल मंडे को थोड़ी बहुत इसमें आपको मुनाफा वसूली देखने को मिले, बिल्कुल थोड़ी बहुत मिलेगी दोस्तों। और मुझे लगता है मंडे को भी वैसे तो ये ग्रीन में बंद होना चाहिए, 43 तक के टारगेट्स आपको मंडे तक देखने को मिल सकते हैं अगर शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी नहीं आई तो इस शेयर में। लेकिन आप मुझे लगता है इसके टारगेट्स आपको 44-45 के अगले हफ्ते आराम से देखने को मिल सकते हैं। देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेके चलिए, आपको ये स्टॉक अच्छा खासा मूव करता हुआ दिखेगा दोस्तों। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।